मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छठवीं क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम पूर्ण संख्या चैप्टर पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या प्रश्नावली 2.1 चल रही है, जिसमें आठवां सवाल हम कर रहे थे सत्य असत्य। आठवें सवाल में हमारे पास कुछ सवाल हो गए थे। सवाल था सत्य असत्य लिखिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो हमारे पास ए बी सी डी ई ई तक हो गए थे, एफ तक, जी देखते हैं। सत्य दो अंकों की पूर्ण संख्या का, ध्यान से देखें, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये खतन इस तरह से है, कभी नहीं हो सकती। आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। दो अंकों की पूर्ण संख्या, दो अंकों की पूर्ण संख्या 10 से स्टार्ट होके 99 तक हो। अब इसकी हम पूर्ववर्ती संख्या देखते हैं तो 9 आ गई एक अंक में, जबकि यहां क्या बोला जा रहा है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी एक पहले का, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, जबकि यहां देखो एक अंक ही हुई है। तो ये इसका खत्म हो गया यहाँ पे असत्य। इसी तरह से जी के बाद में एच है, इसमें एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो यहां पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमारे पास 0 है, जबकि इस कथन में ये कहा गया कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन भी हमारे पास क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, एच के बाद में आता है आई। आई हमारा है प्राकृत संख्या एक, प्राकृत संख्या एक का कोई प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। खतन को आप अच्छी तरह से देखें, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो यहां पे प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 अनंत होती है, तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। यहां पे ये हमारे पास सत्य हो गया, इसको सत्य। आई के बाद में जे को देखते हैं। अब जे हमारे पास जो खतन है वो है पूर्ण संख्या एक, पूर्ण संख्या एक का कोई, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, नहीं होता। तो पूर्ण संख्या आपको बताया 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो यहां पे पूर्ण संख्या एक है, इसका कथन में ये कहा गया कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जबकि इससे पहले एक संख्या आ रही है, तो यहां पे ये असत्य हो गया है, असत्य।
क्योंकि एक का पूर्ववर्ती जीरो होता है शून्य, जे के बाद में के, पूर्ण संख्या 13, पूर्ण संख्या 13, संख्याओं 11 और 27, सॉरी और 12, संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। यहां अब आप ध्यान से देखें, पूर्ण संख्या 13 की बात हो रही है, संख्याओं 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में कोई संख्या नहीं है हमारे पास, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये है यहाँ पे इसका रॉन्ग हो गया, गलत। के बाद में आता है हमारा एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से प्रारंभ, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके आगे हम सत्य लगा देंगे। इसके बाद में एम बच रहा है हमारा अंतिम, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती यानी बाद की संख्या, अगली आने वाली संख्या, परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। अच्छा कितना है, ध्यान से समझे इसको, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या हमारे पास एक तो 10 होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी होती है 99। अब आप सबसे छोटी संख्या का परवर्ती निकालेंगे तो 10+1 कर दोगे 11, ये तो दो अंकों की रह गई, लेकिन 99 है इसका परवर्ती निकालेंगे, 99+1 यानी कि ये आ गया 100। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से देखते हैं तो देखो ये तो दो अंकों में चलेगा आ गया, लेकिन वो 100 है उसकी बात करते हैं तो वो तीन अंकों में आ गया, जबकि उसका कथन क्या है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव यानी हमेशा दो अंकों की संख्या ही आता है, ये गलत है, इसलिए इसको हम असत्य देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तीन अंकों की भी आ रहा है। उसके बाद में भैया ये 2.1 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है। 2.1 प्रश्नावली में 8 सवाल थे, 8वां सवाल था सत्य असत्य का, बहुत ही अच्छा है ये, इसमें ये सभी खतन आप लोग दिमाग लगा कर सोच विचार कर फिर जवाब दें। आगे हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। अब दो पॉइंट दो प्रश्नावली स्टार्ट होती है अपनी, इसमें पहला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग, यहाँ पे उपयुक्त क्रम में लगाकर योग भी हो सकता है और उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल भी, गुणनफल भी आगे आ रहा है, तो इसमें आपको कैसे करना है ध्यान से रखिए। तो दो सवाल दिए हुए हैं, एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, एक आप करना, फिर जैसे ए दिया हुआ है इसके अंदर 837 प्लस 208 प्लस 363, बी में 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। यहाँ पे उपयुक्त क्रम में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे पहला सवाल है इसमें हम देखते हैं एक बार, 837 का इकाई अंक 7 है और 208 का इकाई अंक 8 है,
तो आठ और सात यानी दोनों के इकाई अंक को जोड़ते हैं तो आठ और सात यहाँ पे 15 आ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है दोनों इकाई अंकों के अंकों का योग यदि शून्य में आ रहा है, शून्य यानी 10 के गुणांक में आ रहा है तो ध्यान उसी को योग करना है। तो यहाँ आठ और सात 15 हो गए, इसलिए इसको और इसको नहीं जोड़ेंगे। अब सात के साथ में हम इसको जोड़ते हैं तो सात और तीन 10 होता है, यहाँ 10 के गुणांक में आ गई है। तो ये संख्या दोनों हम एक ब्रैकेट में यानी दोनों पास में जोड़ेंगे पहले और लास्ट में ये जोड़ेंगे। इस तरह से होता है उपयुक्त क्रम में। जैसे इसमें चलते हैं, चार संख्या होगी तो पहले दो को हम तीन के साथ जोड़ते हैं तो पाँच ही हुआ, दो को फिर आठ के साथ जोड़ रहे हैं तो 10 हो गया। देखो यहाँ पे देखो, दो को हम तीन के साथ में जोड़ेंगे तो पाँच ही होगा, दो को फिर आठ के साथ में जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है, इसी तरह से सात को फिर तीन के साथ में जोड़ देंगे तो 10 हो रहा है। तो यहाँ पे हल में बी करवा रहा हूँ, आप लोग 1962 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 1538 लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। जिन संख्याओं का योग यहाँ इकाई अंक का योग यहाँ शून्य में हुआ है ना, उसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बीच में प्लस रहेगा, बाकी बच गई उनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे 453 प्लस 647। अब इनको अलग अलग जोड़ लेंगे, इसको हम उपयुक्त क्रम कहते हैं। तो आठ और दो 10, 6 3 9 1 10 और ये हो गया 35, 3500 प्लस यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 4 10 11 1110। उसके बाद में हम लोग इनको यहाँ पे 3 10 सात और 3 10 5 4 9 1 10 10 होगा, ये जोड़ लिया। उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास 001 आ गया, 6 आ गया, 4600। देखो भैया याद रखना, अगर आप लोग इसको सीधा जोड़ोगे तो भी आंसर ये 4600 ही आएगा, 4600 ही आएगा, लेकिन उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हेडिंग देखिए उपयुक्त क्रम में लगाकर योग याद कीजिए तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये होता है हमारे पास उपयुक्त क्रम, इसको उतारिए। फिर अगला देखिए, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल आ रहा है, अगला सवाल हमारे पास आ रहा है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल, योग की जगह गुणनफल आ गया। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ योग की जगह हम दूसरा सवाल कर लेंगे और ये गुणनफल हो जाएगा, गुणा कीजिए। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे ए सवाल है, हम एक को लेते हैं, 2 × 1768 × 50। इसमें भी आपको वैसे ध्यान रखना है जिस तरह से हमने इकाई अंकों को जोड़ा था, इसमें इकाई अंकों को गुणा करना है। तो यहाँ पे 2 को हम, इस संख्या का इकाई अंक 2 ही है, 2 को हम इकाई अंक 8 से गुणा करते हैं तो 8 × 2 = 16, 16 का 6 आएगा, तो हमें 6 नहीं चाहिए, वही सिस्टम याद रखना, आपको 10 के गुणांक में आना चाहिए। फिर 2 को हम 0 से गुणा करते हैं तो 2 को 0 से गुणा किया, 0 आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से हल, 2 × 50 एक ब्रैकेट में डालेंगे और गुणा 1768 आगे रहेगा। उसके बाद 50 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 100 आएगा, 100 × 1768, और इनको आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ 1768 लिखो और 20 और लगा दो, यानी कि 1,76,800, इसका गुणनफल ये आएगा। इसी तरह से आप लोगों के सामने एक सवाल और लेते हैं हम, जैसे ये लेते हैं डी वाला, 625 × 279 × 16। यहाँ पे ध्यान देना आप, सबसे पहले इसका इकाई अंक यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई अंक 9 है, 9 और 5 को हम गुणा करवाते हैं तो 45 आएगा, 45 का आता है 5, हमें 5 नहीं चाहिए। उसके बाद में 5 को हम 6 से गुणा करवाते हैं तो 5 6 30 होता है,
तीस का हमारे पास शून्य आ गया है। शून्य आते ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसको एक साथ गुना करेंगे पहले। तो हल लगाइए और 625 गुना यहाँ पे 16 हो जाएगा और गुना यहाँ पे 279 हो जाएगा, 279। उसके बाद में 625 को आराम से आप रफ कॉपी में गुना कर लेंगे, रफ कॉपी में गुना कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000 गुना ये 279। ये अब आसान बन गया है, इसका गुणनफल आसान हो गया। 279 लिखो और इसके 4 शून्य लगा दीजिए, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का गुणनफल है वो उपयुक्त क्रम में लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर ए और डी मैंने बता दिए हैं, आप लोग बाकी बचे हुए हैं वो नोट करेंगे। बी इसके अंदर है 4 गुना 166 गुना 25। सी इसके अंदर है 8 गुना 291 गुना 125। डी इसके अंदर मैंने बता दिया है, ई देखिए, ई इसके अंदर 285 गुना 5 गुना 60 और एफ इसके अंदर है 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। देखो यहां पे मैं एक आपको एफ और बता रहा हूं, एफ को देखिए इसमें, क्योंकि इसमें चार संख्याओं का गुणनफल आ गया है तो चार संख्याओं में दो दो के आप जोड़े बना ले, युग्म बना ले। तो यहां पे एफ को मैं बता रहा हूं 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। यहां पे अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप 125 का इकाई अंक 5 देखेंगे, इसका जीरो देखो, यहां पे 5 और इस जीरो को गुणा करते हैं तो जीरो आ गया है, तो ये हमारा सेट हो सकता है। इसी तरह से हम लोग फिर इसको इसको करते हैं तो 8 पंच 40 ये भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ऐसे सवालों में हम कौन सा लेंगे, जो 5 को इसके साथ में लेने पर भी जीरो आ रहा है, 5 को इसके साथ लेने पर भी जीरो आ रहा है, 5 को इसके साथ लेने पर जीरो नहीं आ रहा है। तो 5 को इसके साथ में ले सकते हो, इसके साथ में, तो आप एक बार चेक कर लेंगे, 125 को पहले आप 40 से गुणा कर लेंगे तो ये 0 0 0 और ये 20 8 2 10 4 और 1 5, ये आया हमारे पास 5000। और 125 को एक बार हम 8 से और गुणा कर लेते हैं, 8 5 40 16 और 4 20 8 2 10 ये आया 1000। तो यहाँ पे गुणनफल ये ज़्यादा उचित रहेगा, यानी वो ध्यान रखें यदि वो दशांश से शतांश से यानी 10 से 100 हजार में गुणनफल आए तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा हमारे लिए, ये हमारे लिए ठीक रहेगा। 125 को 8 के साथ में लेते हैं तो ये यहाँ पे 125 हल लगा के लिखेंगे आप, 125 गुना 8 कर दो और यहाँ पे गुणा लगा के, गुणा ही रहेगा बीच में भी, ये और ये हमने ले लिया है, अब 40 गुना 25 बचेगा। तो यहाँ पे 125 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, गुणा 40 को हम 25 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 1000 आएगा। अब 1000 को 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा कर सकते हो, 3 0 3 0 6 शून्य होगी, 1 2 3 4 5 6 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये, इस तरह से ये हमारे पास हो गया 1,000,000। इसका गुणनफल इस तरह से मिलना है। तो इस तरह से बच्चों ये उपयुक्त क्रम में गुणनफल और उपयुक्त क्रम में लगाकर योगफल आज आपने पढ़ा है। 2.2 के अगले सवाल हम कल देखेंगे। धन्यवाद।